इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सुनो क्या होता है, जो सेंटेंसेस में आप आदेश देते हो, ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो, वो आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। बेटा इंपरेटिव का हिंदी होता है आदेशात्मक। हालांकि खाली आदेश नहीं है लेकिन हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए इंपरेटिव में याद रखना, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मॉरल सजेशन। बेटा ये तीन तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर आप विद ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो बेटा इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। पहला, शट द डोर को देखो, लेट द डोर बी शट। पहला तरीका है लेट द डोर बी शट। दूसरा तरीका है यू आर ऑर्डर टू, देखो यहां पे, सॉरी सेकेंड वे, यहां पे यू आर ऑर्डर टू शट क्या द डोर, यहां पे ऑर्डर टू शट द डोर, यहां डोर गायब है। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ये पैसिव वॉइस है। दूसरा तरीका यानी कि आप, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ये तरीका और ये तरीका दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जानते हो बेटा एक चीज बताती हूं, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर लो। आप बोलोगे मैम आप ऑब्जेक्ट के साथ भी यही तरीका बोल रहे हो और विदाउट ऑब्जेक्ट भी यही तरीका बोल रहे हो, दोनों तरीका कैसे हो सकता है? बेटा लास्ट में ऑब्जेक्ट है, लास्ट में मर्जी है तो लगाओ और मर्जी है तो हटाओ। आखिरी में ऑब्जेक्ट होने का यही तो फायदा है, मर्जी है तो लगा लिए, मर्जी है तो हटा लिए। देखो राइट, चलिए फटाफट बनाने की कोशिश करना। आपके पास दो स्ट्रक्चर है, वो लास्ट का भी नहीं सिखाया आपको। एक ये स्ट्रक्चर है जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो, और ये स्ट्रक्चर है जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो भी, नहीं है तो भी। चलो बनाओ तो फटाफट। गेट आउट ऑफ द रूम, बेटा ये ऑर्डर है। अगर मैं ऑर्डर कर रही हूं तो बेटा मेरे पास तो सबसे अच्छा वर्ड है ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। देखो यहां पे सीधा है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, टेक मेडिसिंस ऑन टाइम, बेटा सेम चीज है। लेकिन आप बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, लेकिन मैं अगर एक चीज कहूं आपको, आपको कह रही हूं टाइम से मेडिसिन लो, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक तरह का एडवाइस है और ज्यादा अच्छा लगेगा यू आर एडवाइस्ड? नहीं, एडवाइस्ड वी आई एस ई डी बेटा याद रखना, क्योंकि ये एक जरूरी सलाह है और बहुत स्ट्रॉन्ग और सीरियस सलाह के लिए हम एडवाइस लगाते हैं। वर्ब के रूप में यू आर एडवाइज्ड वी आई एस ई डी टू टेक मेडिसिंस ऑन टाइम। ऐसे इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी है बेटा, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो दूसरा वाला जो था, जो मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट है तो एक और तरीका लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, नेक्स्ट सुनो, डोंट मूव यू आर वॉन्ड Not to move। अब देखो टू के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म है, सीधा सीधा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, तो मैं नॉट क्या करूं, मैं पहले लगा दूं। लेकिन एक वर्ड और है फॉरबिड, है ना, फॉरबिड का थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। ठीक है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, है ना, तो यू आर फॉरबिडन थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन।
और फॉरबिडन में मना करना आ गया, खत्म। फॉरबिडन के साथ नॉट मत लगा देना। यू आर फॉरबिडन टू मूव, यू आर प्रोहिबिटेड टू मूव, एंड यू आर वॉर्न्ड नॉट टू मूव। देखो ठीक है, क्लियर। डोंट सिट ऑन द बेंच, अगेन मना किया जा रहा है। यू आर प्रोहिबिटेड, बेटा जब प्रोहिबिटेड कर ही दे रहे हो ना, या फॉरबिडन कर दे रहे हो, तब फिर नॉट मत लगाना। टू सिट ऑन दिस बेंच, देखो। लेकिन एक और तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड। अब जैसे ऑर्डर्ड कहा, तो फिर नॉट याद रखना है आपको, नॉट टू सिट ऑन दिस बेंच। देखो,